महाराष्ट्र के बेटे आन बान और शान है और साउथ फिल्म के सॉरी साउथ मूवीज के सुपरस्टार हैं और इसको डायरेक्ट करा है पीटर त्रिकोटी जी ने और प्रोड्यूस की बात करें तो हमारे मिहिर जी हो गए, हमारी अश्विनी कुमार मिश्रा जी हो गए और साथ ही साथ उनके आरती देवेंद्र गिल जी ने इसे प्रोड्यूस करा है। म्यूजिक की बात करें तो नन अदर देन रवि बसरूर जी का म्यूजिक है, खास आपको आज वो सुनने को मिलेगा, उसके बिना सुने हम कहीं नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ अब मीडिया इंटरेक्शन हम शुरू करेंगे, जिससे पहले हम एक बड़ी चीज और बताना चाहेंगे कि इसको एसोसिएट डायरेक्ट करा है नन अदर देन एस एस राजमौली जी ने, जिनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की आई डोंट थिंक सो हमें जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो उससे पहले मीडिया आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। सो आप अगर एक सेंटेंस में इस मूवी के बारे में हमें बताना चाहेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर? हाँ। सबसे पहले सभी मीडिया के लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, कशिये तुम्ही सगळे? हल्ला वाला का नाही, असं ताकत ताकत नाही आहे, कशे आहे तुम्ही? अच्छा, ये जो फिल्म है अहो विक्रमार्का, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू मदर, एक माँ के प्रति ये फिल्म बनाई गई है। जैसे मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जानी वाला सपोर्ट केला है, हे फिल्म हमच्या आई साठी ट्रिब्यूट केला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजती हैं। और इसी बात पे आओ विक्रमार्का, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, आओ। एक सेकंड मैडम, इनको मेरी आवाज अच्छी लगती है। I love you all. सर इसी बात पे एक डायलॉग भी हो ही जाए जिससे मीडिया लोगों का और थोड़ा जोश बढ़े। जैसे हिंदी में बोलता हूँ, जैसे मेरा एक को एक्टर बोलता है, बिलाल भाई पता नहीं पड़ता है हीरो है या विलन, जो भी बैग है दे दो इसे। सो क्या है कि इतने साल 14 साल एज अ विलन का काम किया है मैंने, और एक स्टेट में नहीं बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। जैसे आप लोगों ने रामायण पढ़ा है, श्री राम को भी 14 साल का वनवास था, तो वैसे 14 साल का स्ट्रगल था फ्रॉम मगधीरा से अहो विक्रमार्का आने के लिए। तो ये जो जर्नी है बहुत इमोशनल जर्नी है, ये जर्नी जैसे मेरे भाई मिहिर जी, मिश्रा जी, हम सबकी एक इच्छा थी कि हमें पहली मराठी फिल्म आपल्या महाराष्ट्र मध्ये आपल्या लोकांना त्या लेवलचं दाखवू की लोक पण बघून असं प्राउड फील करायला पाहिजे। क्योंकि नॉर्मली मराठी सिनेमा एक बाउंड्री में बनाया जाता है, उसको सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज किया जाता है, पर हे माझं सौभाग्य है कि माझ्या संगत जितके पण लोक आहेत त्यांनी मला सपोर्ट केलं आणि ही पहिली मराठी फिल्म जो पॅन वर्ल्ड रिलीज हो रहा है। तुम्ही लोक खुश आहे का नाही? ये आपल्या महाराष्ट्रासाठी लई गर्वाची चीज है, बहुत गर्व की बात है, राइट राइट एवरीवन? एक मदर सेंटीमेंट पे आहे, और दिस इज द स्टोरी ऑफ एक वर्दी के एक इंसान की कहानी है, पर उसका कनेक्शन उसकी माँ के, दिस जर्नी इज अबाउट मदर सेंटीमेंट। मदर सेंटीमेंट बहुत स्टोरी में दिखाया, इसमें अलग क्या है? मैडम जब आप पिक्चर देखेंगे ना, आप आपके बेटे को बोलेंगे विक्रमार्का के जैसे बनना। आपका क्या रोल? हाँ बोलिए ना सर, गुस्सा मत हो। आपका रोल? मेरा रोल एक ऑफिसर का रोल है, एक बेटे का रोल है, एक लड़के का रोल है जो अपने माँ के प्रति कैसे रिश्ते को निभाता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डिफरेंट रोल। जब आप देखेंगे इसी कुछ चीजें अल्फाजों या वर्ड से बयान नहीं किया जा सकता है।
ते तुम्ही ज्यावेळेस बघणार तुम्ही ते सिनेमा बघत रडणार पण एन्जॉय पण करणार ते आहे. सर क्या है मेरा जन्म, मैं पुणे का रहने वाला हूँ, मी पुण्याचा पुण्याचा पोरगा आहे, हमी सगळे पुण्याचे आहे. तर हे आमची इच्छा होती कि हम एक ऐसा प्लॅटफॉर्म पुणे में खड़ा करें, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं इन महाराष्ट्र इतने टैलेंटेड कि वो बॉम्बे नहीं आ सकते, साउथ नहीं जा सकते, हैदराबाद नहीं जा सकते. तो बहुत सारे लोगों को हमने हमारी फिल्म में पुणे से पैन इंडिया लॉन्च किया है. एक सपना था, वो सपना हम लोगों ने पूरा किया है और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इट विल बी अ बिगेस्ट सक्सेसफुल. एक बड़ा सवाल ये होता है, हमने चिरूर पांडे को देखा है पुलिस की वर्दी में, सिंगम को देखा है पुलिस की वर्दी में, इसमें क्या कुछ नया होने वाला है? 30 तारीख को पता चलेगा सर और आपको बहुत प्राउड फील करेगा, क्योंकि वर्दी सब लोग पहनते हैं, सबका एक अंदाज है, पर राजमौली सर का प्रेजेंटेशन सबसे खतरनाक रहता है. उनकी टीम जब वर्क करती है तो सिर्फ वर्दी के पीछे और लाइक यू नो 100 साल तक वो कैरेक्टर जीता है. आप जब ये देखेंगे मेरे को, आप खुद ब्रदर इंटरवल के बाद कॉल करेंगे और बोलेंगे देव यू हैव मेड इट. लेकिन आप नेगेटिव रोल में ज्यादा हो रहे थे, पॉजिटिव रोल में? सर नेगेटिव रोल में आपने पसंद किया क्या? नहीं मुझे तो पॉजिटिव में भी पक्का पसंद करेंगे. काय काय इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट है तिकडनं हमी उचललंय. कसं असतं पूर्ण फिल्म असं हे बायोपिक नाही आहे, ये जस्ट कुछ हिस्से उठाए, ड्रग्स के बारे जे पुण्यात चाललंय उसके बारे हम लोगों ने उठाया. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, प्रेझेंट सिच्युएशनच्या वर आहे. सर ये मराठी फिल्म है सर, आता काय काय काम आहे, चांगलं काम डेफिनेटली करणार सर. असं नाही की मराठी नाही, हिंदी नाही, गुजराती नाही, सिनेमाचं कोणतं भाषा नसतंय, काय पण राईट सिनेमा रहेगा. और कैसा है, अगर अपने मैंने एक चीज देखा है साउथ में, जैसे रामचरण हो, विजय हो, वो अपने गांव अपने मिट्टी के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं. तर हे हम लोग हम सब विचार होता, हमारी एक आइडिया थी, एक सोच थी कि अपने गांव अपने महाराष्ट्र के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे. सब लोग अभी आप लोग इसमें, आप में से बहुत कम लोग बॉम्बे के रहने वाले रहेंगे, आप सब बाहर से आए रहेंगे, कोई कोल्हापुर से आया रहेगा, कोई सोलापुर से आया रहेगा. एक जर्नी, एक तकलीफ, किसके पास पैसे नहीं रहते, एक दुख रहता है, एक सबके पीछे एक कहानी है. पर हम लोग इसीलिए सब लोग बॉम्बे नहीं जा सकते, सब लोग हैदराबाद नहीं जा सकते, पर पुणे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो यहाँ से एक अलग इंडस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं. मैडम पिक्चर हिरोईनच्या बगैर कसं चालणार? साऊथ इंडियन आहे का, मराठी आहे का, हिंदी, तेलुगू ऍक्ट्रेस आहे. बघा काय आहे, ये जब हम सब लोगों ने डिसाइड किया था फिल्म बनाने का, तर टेक्निशियन सगळे पहिल्यांदा मराठी टॉप टेक्निशियन घेतले, ज्यांना ऑस्कर भेटले ते पण आपले अपनी फिल्म में गाना लिखे है. रवि बसरूर वन ऑफ द बिगेस्ट बीजीएम BGM man, king of BGM. फिर पुष्पा का जो फाइट मास्टर है, उन्होंने अपनी फिल्म का एक्शन किया 70 डेज इकडे सुसच्या जवळ. मग जितके पण आहे सगळे राजमौलीची टीम आहे, जे बाहुबली RR की आहे त्यांची टीम आहे आपल्या टीम मध्ये. मॅम सॉरी तुमचं क्वेश्चन काय होतं? मॅम म्हणाले की हिरोईन साऊथ इंडियन आहे. हां तर हमी सगळे टेक्निशियन साऊथ चे घेतले, हिरोईन साउथ ची घेतली, कारण मराठी एक्ट्रेस हमको उस टाइप की नहीं मिल रही थी. पर जितके एक्टर्स आहे हमी सगळे मराठी एक्टर्स घेतले, लाइक प्रवीण दरडे साहेब तुमचा लाडका. आप लोगों को प्रवीण सर बहुत पसंद है ना, आहे का नाही? तेजस्विनी पंडित मॅडम शी इज देयर. सो बहुत अच्छे अच्छे मराठी कलाकार है और वो पहली बार साउथ में
गूंजने वाले। सर आपको ऐसा क्यों लगा कि मराठी में कोई इस टाइप की आपको एक्ट्रेस नहीं? मराठी में क्या मैडम, डायरेक्टर से एक विजन आते, वो बहुत पर्टिकुलर रहते, उनको एक चुलबुल लड़की चाहिए, तो आपल्या मराठी म्हणजे पुण्यात भेटली नाही तर त्यांनी तिकडची घेतली। देव सर, छत्रपती शिवाजी महाराज से इस फिल्म का क्या कुछ संबंध होगा, तो थोड़ा बता दें। सर, जो भी महाराष्ट्र की धरती पे पैदा होता है उसका कुछ ना कुछ रिश्ता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहता है, और ये जो ऑफिसर जो मराठी फिल्म और ऑल लैंग्वेजेस में आ रहा है उसका भी कुछ रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है, आप वो क्लाइमैक्स फाइट में देखेंगे। पर ये एक मैसेज है डायरेक्टर का कि आज की तारीख में भी महाराज का सिपाही किसी भी रूप में आकर लोगों को बचाएगा, लोगों की सेवा करेगा। हमारा दूसरा पिक्चर है, पहला जो पिक्चर मी प्रोड्यूस केला तो होता अभंग, सुनील शेट्टी आणि तमन्ना भाटियाचा होता। आता हा जो दुसरा पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये देवील देव मायकडे जो स्क्रिप्ट घेऊन आले तर मला ती एवढी आवडली स्क्रिप्ट की एक पोलिसांची जी स्टोरी आणि जे ओव्हरऑल जो प्लॉट आणि जी कॉन्सेप्ट आहे आणि जी देवची मेहनत आहे तर त्याच्यामुळे सगळ्यांनी हा पिक्चर बघितलाच पाहिजे। सर, एवरी कॅरेक्टर टीचर्स यू कुछ सिखा के जाता है, तो इस कॅरेक्टर ने आपको क्या सिखा दिया? अहो विक्रमार्का ने मेरे को पेशेंस सिखाया, संयम रहना, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तब बात करना, ये मुझे सिखाया। इट्स अ वेरी डीप मीनिंग। जब 2-2.5 साल से हमें सिनेमा बना रहे जो टेक्नीशियंस है साउथ के, वो ऐसे 6 महीने में पिक्चर नहीं बनाते, वो बहुत बड़ा बड़ा एक्शन लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाते हैं, तो जो 18 महीने की जर्नी जो काम करते हैं, नॉर्मली मराठी फिल्म 3 महीने में खत्म हो जाता है। जैसे मीर भाई भी हमारे सर और हमारे बहुत सारे मिश्रा जी बोलते हैं पिक्चर ही खत्म नहीं हो रही, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो द प्रोसेस क्या रहता है, मेकिंग एक प्रोसेस है, मेकिंग के बाद वीएफएक्स का एक प्रोसेस था, एक्शन इतना लार्जर देन लाइफ है, म्हणजे मी खरं सांगतो आपले मराठी माणसं खूप खूप म्हणजे खूप प्रसन्न होणार, त्यांना हे काहीतरी लई प्राउड फील हो जाएगी, उनको एक प्राउड मोमेंट रहेगा कि हमची मराठी फिल्म भी पैन वर्ल्ड आ गई। 5 गाने हैं, एक अर्चना है, आज ही एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ है सलमा, एक माँ का गाना है वो नेक्स्ट वीक रिलीज होएगा, जो 2 दिन पहले, टिपिकल मास फिल्म जो पूरी फैमिली के साथ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, सेंटिमेंट्स है। आपने आरआर बाहुबली पाहिलंय का? काय आवडलं त्याच्या आरआर मध्ये? काय आवडलं? इंटरवल ब्लॉक पाहिलं? याद है इंटरवल सीक्वेंस था? नहीं है ना? एनटीआर जंप मारता है सब जानवरों के साथ, यही डायरेक्टर ने उस फिल्म का पूरा एडिट किया हुआ है, त्रिकोटी बेटा। योडो सांगतो कि तुम्ही जब आप लोग अहो विक्रमार्का देखेंगे इसका इंटरवल ब्लॉक, सीटी बजेगी, कुर्सियां टूटेगी थिएटर में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करके नारे लगेंगे, म्हणजे ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट रहेगा, फक्त इंटरवल, बाकी का सेकंड हाफ तो छोड़ दो, लोग पागल हो जाएंगे। सर, इतनी मेहनत से फिल्म को आपने बना ली है, लेकिन सबसे कठिन काम यह है स्क्रीन मिलना, कितने स्क्रीन मिल रहे हैं? सर, टोटल 1200 स्क्रीन्स है ऑल ओवर इंडिया, और बहुत अच्छी स्क्रीन्स मिले, जैसे नॉर्थ में यूएफओ हमारे साथ जुड़ा है, मैत्री मूवीज जिन्होंने पुष्पा बनाई है वो हमारी तेलुगु फिल्म रिलीज कर रहे, फिर बोम्बाले कर्नाटक में रिलीज कर रहे, पीवीआर तमिल में कर रहे, सो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मेरे साथ जुड़े हैं, और ये सब मेरे भाइयों का
विश्वास था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बना। और जब उन लोगों ने ये फिल्म देखी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये हैदराबाद के भी न्यूज में आने वाला है दो दिन में, जब माइथ्री के ओनर्स ऐसे बैठे और इंटरवल में ऐसे खड़े हो गए और उन्होंने सिर्फ इतना बोला देखिए सेकंड हाफ में पब्लिक के साथ देखूंगा, एग्रीमेंट साइन कर दो, दैट्स इट। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच सर।